हेलो दोस्तों, स्ट्रेंज टेक के एक और नए फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि संडे को नॉर्मली टेक न्यूज नहीं मिलेगी, टेक न्यूज बाकी के 6 दिन अपन को मिलेगी। और एक दिन ऐसा होगा कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 10 फैक्ट आपको ऐसा बताऊंगा जो कि शायद आपको नहीं बताओगे। और इस सीरीज के एंड में, जैसे इसकी वीडियो एंड होती है, उसके एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो जिसका आंसर आपको कमेंट में देना पड़ेगा, और सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हमारी नई सीरीज की पहली वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो पहला फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि जो हम जीपीएस यूज करते हैं फोन के अंदर, यूजुअली जो हमारी लोकेशन सर्विस, जीपीएस सर्विस जो होती है हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर, हम सभी सोचते होंगे भाई कंपनी के मोबाइल में आई तो फ्री होगी। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए फ्री नहीं होती है। इसको क्या कि अमेरिकन टैक्स रेवेन्यू के द्वारा इसका जो सारा खर्चा है वो उठाया जाता है, और इसका पर डे का खर्चा था $2 मिलियन, मतलब कि $20 लाख का रुपीस का खर्चा आता है। अभी आप देख सकते हो इसको रुपीस में कन्वर्ट करके कि पर डे का इनका कितना खर्चा होता होगा। तो हम सोचते हैं कोई भी चीज फ्री होती है, हमारे लिए फ्री होती है, लेकिन जो इसको ऑपरेट करा उसके लिए फ्री नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये है, जो गूगल है वो अपने हेडक्वार्टर में क्या है कि मतलब जैसे पेड़ पौधे वगैरह बहुत सारे रखते हैं, तो अपने हेडक्वार्टर्स में वो मतलब फायदा करने के लिए क्या करते हैं कि उन झाड़ियों को जो बड़ी हो जाती है उनको कम करने के लिए जो वहां की शीप्स है अमेरिका की, उनको हायर करता है, उनको हायर करके उनको ये खिलाता है, जिससे क्या होता है कि इनकी जो झाड़ियां वगैरह होती है हेडक्वार्टर में कम भी हो जाती है, इनका खर्चा भी कम बच जाता है, और बकरियों का भी पेट भर जाता है। तो आप देख सकते हो कि लोग कितना इनोवेटिव हो चुके हैं हर एक चीज को लेकर, अपने छोटे छोटे खर्चे बचा कर बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो तीसरा फैक्ट है वो आता है कि जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जो नॉर्मली एक बंदा होता है वो एक मिनट में अपनी आई को 20 बार झपकाता है, मतलब कि 20 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जो कंप्यूटर मोबाइल फोन हार्ड यूज करता है, मतलब कि बहुत ज्यादा यूज करता है, वो अपनी आई को एक मिनट में 7 बार ही ब्लिंक करता है। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन यूज करने का हमारी लाइफ पे कितना ज्यादा गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, जो चौथा फैक्ट है वो ये कि अप्रैल 2005 में नासा ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया था, मतलब कि अप्रैल फूल बनाया था कि हमने मार्स पर पानी ढूंढ लिया है, और इस अप्रैल फूल का पूरी दुनिया में इतना तहलका मचा था कि सभी देश की सरकारें हिल गई थी, सभी स्पेस एजेंसीज हिल गई थी कि ये कब हो गया, लेकिन बाद में नासा ने बताया अप्रैल फूल। तो आप देख सकते हो कि अप्रैल फूल बनाने का भी तरीका कितना ऊंचाइयों पर जा चुका है। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो दुनिया का पहला कैमरा था, फर्स्ट कैमरा था, अगर आपको उससे अपनी एक फोटो लेनी होगी बैठे हुए, तो आपको 8 घंटे तक उसी पोजीशन में बैठे रहना पड़ेगा, तब जाके आपकी एक फोटो आएगी। और अभी अपन देख लो 1 सेकंड में 10-10, 15-15 फोटो भी मतलब खींच लेते हैं। तो देख सकते हो कि इनोवेशन धीरे धीरे कितना आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, मैं अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, जो पीएनजी फाइल का जो क्रिएटर था, उसने पीएनजी फाइल को पीएनजी नाम देना नहीं कहा था, उसने कहा था कि इस पीएनजी फाइल को पीएनजी ना कहके पिंग कहा जाए, लेकिन दुनिया के चाल चलन को बदलते बदलते पिंग का शॉर्ट नाम करके पीएनजी कर दिया गया। तो अगर आप दोनों में से कौन सा नाम पसंद है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, जो यूबुंटू है, हम सभी को पता होगा ये एक ओएस है जो कि लैपटॉप वगैरह में चलता है और लिनक्स इसको क्रिएट करता है। आप सभी को एक बात बताना चाहूंगी, लिनक्स का मोस्ट पॉपुलर ओएस है, और जो यूबुंटू है उसका मतलब है आई एम बाय यू, मतलब कि मैं तुम्हारी वजह से हूं। तो देख सकते हो आप छोटे छोटे शब्द में कितना बड़ा अर्थ हो सकता है। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, जो कि थे फर्स्ट माउस के क्रिएटर डॉग एंगलबर्ट, मतलब कि DOUG डॉग एंगलबर्ट, उन्होंने जो पहला माउस था वो लकड़ी का बनाया था। तो देख सकते हो कि लकड़ी का माउस कैसा बना होगा, इमेजिन दैट। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, तो वो ये है कि 1024 GB, मतलब कि 1 TB, और 1024 TB, मतलब कि 1 PB, और 1 PB के अंदर हम 13.3 years का HD वीडियोस हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 1 PB के अंदर हम कितना कुछ स्टोर कर सकते हैं। अभी तक तो इसका कोई हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में जरूर हमें देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट फैक्ट की बात करूं, जो इस धरती की, इस प्लेनेट की फर्स्ट अलार्म क्लॉक थी, वो सिर्फ 4 बजे ही अलार्म फिक्स रखती थी। शायद दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आज होती तो अच्छी होती, सभी 4 बजे उठते जो इस अलार्म को रखते, आज हम 8 बजे 6 बजे जो सेट कर लेते, लेकिन जो पहली घड़ी थी उसमें सिर्फ अलार्म एक ही बजता था, वो था 4 बजे का। तो दोस्तों ये तो थे आज के फैक्ट्स। आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है कि दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था उसका इन्वेंटर कौन था।
अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर मेंशन करूंगा कि कितने परसेंट लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे पहले किसने दिया। और अगर आपको ये न्यू सीरीज पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में मुझे जरूर मेंशन करना। एंड तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, टॉक टू यू लेटर।